गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्रिय छात्रों, मैं ये वीडियो स्पेशली मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं अलवर से हैं, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 29 तारीख को उनका पेपर है। ये पेपर 29 तारीख को इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन का पेपर है ये, तो मैं उसी पेपर को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो भी मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो इस वीडियो को देखे और इस वीडियो से लाभान्वित रहे, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे हल किया जाए और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन आएगी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का हमारे पास में तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। तो सबसे पहले जो हमारा पेपर आएगा उसमें एक्सप्लेनेशन आएगी और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से राइटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, आपके सेक्शन ए में निशी मेजिकेल की पोएम है गुड बॉय गुड बाय पार्टी फॉर विश्वोस्पा। प्रिय छात्रों, फ्री स्टाइल पोएम है, बहुत नरेटिव पोएम है, जिसमें कवि अपनी सहज कलीग मिस पुष्पा को एक फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं सारे के सारे मिलके, क्योंकि अब उनका स्थानांतरण कहीं दूसरी जगह हो गया है। तो किस प्रकार वह अपनी कलीग मिस पुष्पा के जीवन चरित्र के बारे में बयां करते हैं उसको लेकर के एक कविता लिखी गई है, जिसमें बिल्कुल फ्री स्टाइल है, नरेटिव पोएम है यहाँ पर। ठीक है, कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% एक्सप्लेनेशन भी आएगी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पूछा जा सकता है। और इसी में जयंता महापात्रा की मानसून डेफेबल है, जो दुख व निराशाओं की बात करती है, जो कविता हमें ये बताती है कि किस प्रकार सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो यानी कि ये कविता आशावाद और निराशावाद की तरफ बताने वाली कविता है। और ए के रामानुजन की कविता है लव पोएम फॉर ए वाइफ, जिसमें कवित्री अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसकी पत्नी से उसका प्रेम संबंध कैसा रहा, कि किस प्रकार उसकी पत्नी का व्यवहार उसका साथ कैसा रहा, किस प्रकार उसकी पत्नी से उसको एक एडवाइजर कैसे बन गई। तो पत्नी का एक व्यक्ति के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रहती है उसी लेकर के कविता लिखी गई है, जो कि एक नरेटिव और एक सिंपल एक फ्री स्टाइल पोएम है। दूसरी कविता में समवन स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन ए ग्रेट हाउस, में कवित्री कवि जो है वो अपने क्राउडेड फैमिली के बारे में बात करता है, क्योंकि उसके जीजा, उसकी बहन जो शादी हो गई, उसके भांजे सब वहीं रहते हैं, और चूंकि वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है तो पड़ोसियों के द्वारा जो दक्षिणाएं आती है, जो भोजन आता है, वो कुछ ही समय में गायब हो जाता है, और किस प्रकार उसकी पत्नी जो है वो सभी के बीच में एक समन्वय बिठा करके रखती है, और किस प्रकार वो अपने फैमिली के लिए खुद स्वयं कैसा डिवोटेड रहता है। तो एक सोशल पोएम है, फेमिलिज्म पोएम है, 101% नहीं 201% क्वेश्चन आएगा और एक्सप्लेनेशन भी आएगी इसमें से आपके। और कमला दास की तीन पोएम है, स्पॉइलिंग द नेम, समवन एल्स सॉन्ग, डांस ऑफ द इल्यूज। तो मैं बता दूं, कमला दास अपनी कविताओं में दुख पीड़ा खीज और अपनी सेक्सुअलिटी को बताती है, जिसमें वो ये मानती है कि उसका शादीशुदा जीवन जो असफल रहा उसकी वजह से उसके जीवन में कुंठा आ गई, और वो कुंठा और वो पीड़ा वो खींच वो अपनी कविताओं में लिखती है। जैसे कि स्पॉइलिंग द नेम में कवित्री ये मानती है कि एक औरत का नाम नहीं रहता, वो बदलता रहता है, और उसका नाम जो है पति के नाम के साथ में जोड़ दिया जाता है, कि किस प्रकार उसका बचपन का नाम माधवी कुट्टी था, फिर किस प्रकार वह एक राइटर नेम में कमला दास हो गई, और जब उसे एक मुस्लिम लड़के से प्रेम हुआ, जब उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया तो वह उसे शादी करने के लिए दुबई चली गई, तो उसने अपना नाम कमला सुरैया दास रख लिया। तो इस कविता में भी वो खींच व पीड़ा को बताया गया है, और समवन एल्स सॉन्ग में भी कवित्री उसी दुख व पीड़ा को बताती है, और डांस ऑफ इनूज में वह अपनी तुलना एक हिजड़े से करती है, और वो करती है कि जिस प्रकार हिजड़ा अपने आप को समाज में रहते हुए भी एकांकी महसूस करता है, वह भी अपने आप को ऐसा ही महसूस करती है, और किस प्रकार वो डांस करके ब्लीडेड होकर के रक्त रंजित होकर के भी वह अपनी उस दुख पीड़ा को बयां करता है, तो कवित्री भी उस दुख पीड़ा को बयां करती है। तो आपके इनमें से या तो किसी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, या पूछा जाएगा कि कमला दास की कविताओं में दुख पीड़ा और खींच कैसे नजर आती है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप ओवरऑल सेक्शन ए में निशी मेजिकेल, जयंता महापात्रा, ए के रामानुजन और कमला दास, इन चारों को पढ़ना है, 101% नहीं 201% आपके एक्सप्लेनेशन भी बेच होगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी बेच होगा। सेक्शन बी में हमारे पास में है महेश दत्तानी का डांस लाइक ए मैन, और फिर विजय तेंदुलकर का यहाँ पर कोटवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म इंडिया है, और एम के गांधी का हिंद स्वराज है। तो मैं बताना चाहूंगा सेक्शन बी में आप रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को लर्न करेंगे, कारण
क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो नियम कायदे बनाए उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, दांडी यात्रा चलाई, बिजोली आंदोलन में भाग लिया, किस प्रकार इंडिया क्विट मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और किस प्रकार वो जेल यात्राएं उन्होंने करी है, उन सभी के बारे में लिखना है। किस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल विचार क्या थे, कि किस प्रकार वो भारत को प्रेजेंट करना चाहते थे, भारत में शिक्षा को लेकर के क्या उनके विचार थे, कि किस प्रकार वो लोगों को शिक्षित करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे और किस प्रकार की उनकी नीति थी, कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था यहाँ कायम की जाए जिससे देश में एक सही राजनीति फैले। तो हिंद स्वराज में और आके जो टैगोर है नेशनलिज्म इन इंडिया में, उन्होंने अपने उन राजनीतिक और सामाजिक विचारों को बयां किया है। तो मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी जो है वो इन दोनों पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इन दोनों में पॉइंट भी आप अच्छे बना सकते हो और लॉन्ग आप लिख भी सकते हो। और अगर ये याद नहीं कर सकते तो डांस लाइक ए मैन महेश दत्तानी का आप लर्न कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग महेश दत्तानी का डांस लाइक ए मैन रविंद्रनाथ टैगोर एम के गांधी सेक्शन बी में 101% क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेमचंद का गोदान है, बहुत इजी है, और इसी में आइस कैंडी मैन है, और अनिता देसाई का क्राई द पीकॉक है, और अनंत मूर्ति का संस्कारा है, चार है। लेकिन मैं यहाँ पे गोदान को जो प्रेमचंद का है उसको मैं इम्पोर्टेंस देना चाहूंगा, और अनिता देसाई की क्राई द पीकॉक को जिसमें माया नाम के गौतम नाम का कैरेक्टर है कि किस प्रकार उनके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि 4 साल के दौरान तुम्हारे में से किसी एक की मौत हो जाएगी। माया इसी से घर्षित रहती है और वो गौतम से वो प्यार पाना चाहती है, इसीलिए उनका टोटो नाम का कुत्ता जब मर जाता है तो वो दुखी हो जाती है और वो धीरे धीरे गौतम से अलग होना शुरू कर देती है और वही गौतम को धक्का देके मार देती है, क्योंकि उसके दिमाग में वही चीज रहती है कि 4 साल के बाद में कोई ना कोई मरने वाला है। तो ये माया नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कुंठा और पीड़ा से घर्षित है और किस प्रकार मोर की आवाज को एक हृदय विदारक यहाँ पर बना दिया जाता है। तो बहुत अच्छा क्रिएशन है, 101% आपके क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछा जा सकता है कि क्राई द पीकॉक जो है वो किस थ्योरी पर बनी हुई है या किसी माया नाम के कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, और अनंत मूर्ति का संस्कारा जो है वो प्राचीन समय के बारे में बताता है कि किस प्रकार दुर्वासा ब्राह्मण और अरवासा ब्राह्मणों के बीच में किस प्रकार नारायणप्पा एक कैरेक्टर रहता है, प्रणयसाचार्य रहते हैं, नारायणप्पा एक चंद्री नाम की वेश्या से शादी कर लेता है और किस प्रकार वो ब्राह्मणों की जो अवहेलना करता है, उनका मजाक उड़ाता है, और किस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा उस लालच को बताया जाता है जब नारायणप्पा मर जाता है तो जो चंद्री है वो अपने गहने देने को तैयार हो जाती है कि जो भी उसका दाह संस्कार करेगा मैं अपने गहने उसे दूंगी। तो किस प्रकार गरुड़ा स्वामी और लक्ष्मणा स्वामी उन गहनों से अभिभूत होकर के नारायणप्पा का दाह संस्कार करते हैं और किस प्रकार चंद्री की काया से प्रभावित होकर के प्रणयसाचार्य जो है उससे फिजिकल इंटीमेसी में जाते हैं। तो इस प्रकार की संस्कारा जो है वो हमारी प्राचीन जो जातिवाद है, जो धर्म है, उसके ऊपर एक छटायर लिखा गया, एक क्रिएशन है अनंत मूर्ति के द्वारा, एक प्ले है जिसमें ये सारी चीजों को बताया गया है। तो मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ये वीडियो बैकबोन साबित होगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पेपर के लिए सेक्शन ए में निशिम एजिकेल, जयंत महापात्रा, ए के रामानुजन और कमला दास, सेक्शन बी में रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या महेश दत्तानी का डांस लाइक ए मैन, सेक्शन सी में गोदान, अनिता देसाई का क्राई द पीकॉक और संस्कारा को ये पढ़े। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो मुझे जरूर कॉल करें, मैं पर्सनली उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और 29 तारीख का पेपर हमारे लिए शिक्षर होना चाहिए, क्योंकि इस पेपर में नंबर बहुत आएंगे, जैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप लर्न करें। फिर भी दिक्कत रहे तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरे फोन नंबर है 9928669028963043837। थैंक यू।